करायची? शेती तू ह्या भरोशावर टाकली आणि तू असे कर्ज करून ठेवते? मला शिकायचं आणि दुसरा असं का शेत? राम राम, तेराव एक मराठी मूवी है जो महिला दिवस पे रिलीज की जाएगी, उसका ट्रेलर आ गया है। तो पहले हम तेराव मराठी मूवी का ट्रेलर देख लेते हैं। अपन शेती करतो म्हणजे कमवत नहीं गमावतो असा तुमचा सारा शेतकऱ्याचा समज करून देण्यात आला है। तुम्हाला तसंच वाटतं? त्या बाई अशी मान खाली घालून राहता, तुम्ही बोलत नाही, ओरडत नाही, रडत नाही, मरता भी गुच्छा पांढरा कपाय झाला म्हणजे आयुष्यातले सगळे रंग गेले असं नाही। आणि तू विधवा झाली ही तुझी चूक नाही, तो न लढता मेला, आता तुही लढण्याची वेळ आली। आपण रक्ताचं पाणी करून घाम गाळला, मग केलेली जी मी त्याने त्याच्या नावावर भीती आहे ना कोणाची? शेती तुझ्या भरोशावर टाकली, तू असे कर्ज करून ठेवते? मला शिकायचं आणि दुसरा असं का शेतकऱ्या संघा लागेल नाहीच करायचं? हरचे पाव माणसानं नाही तर काय? शिक्षणाचं भूत शिकायला पाठवले, जे मुले जमलं नाही ना तिथे गावात निश्चित दुश्मन पैदा करत आहे। बचत गट स्थापन केला तिने बायकायचा? मला नाही सहन होत अन्याय, तुमच्या झालेला अन्याय तुम्हालाच नाही समजत। राजीची राणी आणली रे सुधाकर तुला आपल्या घरात, बायको पेट्रोल मध्ये पाहिजे नवऱ्याच्या। कशी आम्ही आहोत संघ, पण लढाचा तोर तुले खाय, आपली कोणी किल नाही केली पाहिजे, भेले पाहिजे आपल्याला। एक लक्षात ठेवा, कायद्यानं कुणीच कुणाला बेघर करू शकत नाही, पण आता काय फक्त अधिकाराचं नसते, जबाबदारी पण घ्या लागते। शेतकरी आत्महत्या करते, आम्ही बायका जगण्यासाठी संघर्ष करतो ते नाही दिसत कुणाला। पती हा परमेश्वर असते, त्या पायी त्याला मारता येत नाही। पण मी ऐलान करतो की आजपासून कुणाचा नवरा दारू पिऊन आला दुसरीनं त्याने झोडपाचा। आपला नवरा नवरा तू जोडप, तू हा नवरा म्या जोडपतो। आम्ही शेतकरी मरेवरी येऊन ड्युटी असतो, शेतकऱ्याने सुरक्षा नसते, शेतीच्या कामात अडथळा आणला म्हणून कुणी कुणाला अटक नाही करत, शेतकरी आंदोलन नाही करत, आणि केलं तर त्याने तुम्ही देशद्रोही ठरत। आधी तेरवा मंडळात जातो काहीच नाही मनाचा, येतोच मनाचा। तेराव मूवी जो मराठी में है उसका ट्रेलर बहुत धमाकेदार था, और इसमें महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा दिखाया गया। महिला संगठन होता है, वो कहते हैं कि कोई दारू पी के आए तो हम उसकी नवरात मना देंगे, हम उसको बहुत मतलब वो करेंगे। इसमें दिखाया गया था किसानों के लिए, पहले एक गड्ढा खोद रहे होते बहुत बड़ा सा तालाब बनाने के लिए, और फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं, और आत्महत्या कर लेते तो जो उनकी बीवी होती ना उनकी बहुत बुरी दशा होती है। इसमें महिलाओं के बारे में और किसानों के बारे में ही दिखाया गया। ये सत घटना पर आधारित मूवी है, क्योंकि किसान कितने आत्महत्या करते ना, इस मूवी को जब हम देखेंगे ना तो ये हमें झकझोर देगी कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं और फिर उनके परिवार का क्या होता है। जो विधवा हो जाती ना उनकी कोई समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, पर उनके साथ में उनकी शायद बहन होती है या भाभी होती है, वो खड़े होती है और वो उस पूरे समाज से लड़ने के लिए उनको प्रेरणा देती है, और वो फिर लड़ती भी है। पहले तो उनको सभी लोग चिल्लाते हैं, भगा देते हैं घर से, उनके आदमी भी बहुत परेशान होते, वो कहते कि तुम ना लड़ते हो ना बोलते हो ना आवाज उठाते हो, गलत कितने आत्महत्या कर ली। उसमें दिखाया गया कि कोई बिजली के खंभे से भी चिपका हुआ था, उसने भी शायद आत्महत्या कर ली थी। इसमें किसान का दर्द दिखाया गया और किसान के आत्महत्या करने के बाद में उसके पीछे कितना दर्द है, ये भी इस ट्रेलर में दिखाया। वो भी बहुत ही अच्छी होगी, दमदार होगी, जानदार होगी। सबसे बड़ी बात, इस ट्रेलर को आज लॉन्च किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, और उन्होंने इस ट्रेलर की बहुत सराहना की कि सबको पता होना चाहिए कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, फिर उनके परिवार का उनके पीछे जाने के बाद में क्या होता है, उनकी परिवार में उनकी बीवी उनके बच्चे कितनी तकलीफ उठाते हैं। ये ट्रेलर था ना,
इमोशनल और दर्द से भरा हुआ था, किसानों के दर्द से, उनके परिवार के दर्द से, उसके लिए वो आवाज उठाते हैं और वो पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा जोर देते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें आपको देखने मिलेंगे किरण खोजे, संदीप पाठक, किरण माड़े, नेहा डंडाले और यशवंत चोपड़े। इसमें मतलब कई महिलाएं दिखाई गई, कई आदमी दिखाए गए और ये एक मराठी मूवी है, पर दर्द है ना वो हर दिल को इस मूवी को देखने के बाद में छू लेगा, क्योंकि मूवी कई भाषाओं में रिलीज होगी पर इसका जो ट्रेलर था वो मराठी में आया था। उनकी आंखों में गुस्सा दिखाई देता है, उनके बोलने में गुस्सा दिखाई देता है और गुस्सा भी न्याय के लिए दिखाई देता है, अन्याय के लिए नहीं जो किसानों के साथ हो रहा है। और ट्रेलर में दिखाया जाएगा क्योंकि सूखा ग्रस्त होता है तब किसान आत्महत्या करता है, ऐसा इसमें दिखाया गया ट्रेलर में। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिएक्शन वाले एलियन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए कि मराठी मूवी का ट्रेलर आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस ट्रेलर को देखकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।